ଗତ କ୍ଲାସରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତ୍ରିକୋଣମିତିର ଅନୁଶୀଳନ ପରେ ରହିଛି ସେଥିରେ 4 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି, ସରଳକର କୋସେକ 31° ମାଇନସ ସେକ 59°। ଏଠି ଡବଲ ଆଇଲ ଦେଇଛି ସାଇନ 50° ପ୍ଲସ ଥିଟା ମାଇନସ କସ 40° ମାଇନସ ଥିଟା। ଏଠି ଟ୍ରିପୁଲ ଆଇ ଏମିତି ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବରର ଆପଣଙ୍କର 10 ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି। ଏଇ 10 ଖଣ୍ଡ ଭିତରୁ ଆମେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ 5 ନମ୍ବର ଆଇ ଦେଖିବା। 5 ନମ୍ବର ଆଇ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ସେ କହୁଛି କୋସେକ 31° ମାଇନସ ସେକ 59°। ଏଟାକୁ ଆମେ କେମିତି କରିବା? 5 ନମ୍ବର ଆଇ କୋସେକ 31° ମାଇନସ ସେକ 59°। ଏଇଟା ଦେଇଛି, ଆମେ ଏହାକୁ ସରଳ କରିବା। ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି କୋସେକ 31° ଦେଇଛି, ଆମେ ସେକ 59°କୁ ଯଦି ଆମେ 90° ମାଇନସ ଥିଟାରେ ପକେଇଦବା ସେଟା କ'ଣ ହବ? ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଉଛି, କୋସେକ 31° ଏଇ ସେକ 59° ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଆମେ ଏହାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା 59°କୁ 90° ମାଇନସ ଥିଟା, ତା ମାନେ 90° ମାଇନସ 31°, 90°ରୁ 31 ଗଲେ କେତେ ରହିବ? 59 ରହିବ, 59 ରହିବ। ତେଣୁ ସେକ 59°କୁ ଆମେ କରିଦେଲେ ସେକ 90° ମାଇନସ 31°। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ହେଇଯିବ କୋସେକ 31° ମାଇନସ ସେକ 90° ମାଇନସ ଥିଟା, ଯେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋସେକ ଥିଟା, ତେଣୁ ଏଠି ହେଇଗଲା କୋସେକ 31°। ତେଣୁ କୋସେକ 31° ମାଇନସ କୋସେକ 31°, ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ ନା 0 ହେଇଯିବ। ଏଠି ହେଲା ତୁମ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଡବଲ ଆଇ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଡବଲ ଆଇ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି? ଡବଲ ଆଇ ପ୍ରଶ୍ନ କହୁଛି ସାଇନ 50° ପ୍ଲସ ଥିଟା ମାଇନସ କସ 40° ମାଇନସ ଥିଟା। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା। ସାଇନ 50° ପ୍ଲସ ଥିଟା ମାଇନସ କସ 40° ମାଇନସ ଥିଟା, ଯଦି ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା ତାହେଲେ 5 ନମ୍ବର ଡବଲ ଆଇ ସାଇନ 50° ପ୍ଲସ ଥିଟା ମାଇନସ କସ କେତେ କହିଛି ନା 40° ମାଇନସ ଥିଟା, 40° ମାଇନସ। ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରାୟତଃ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ପିଲାମାନେ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ହଡ଼ବଡ଼ିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ତୁମେମାନେ ମନଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବ। ଏଠି ସାଇନ 50° ପ୍ଲସ ଥିଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା, କସ 40° ମାଇନସ ଥିଟାକୁ ଚାହିଁବା ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଏଠି ସାଇନ 50° ପ୍ଲସ ଥିଟାକୁ ସେଭଳିଆ ରଖିଦେବା, ରହିଛି କସ 40° ମାଇନସ ଥିଟା, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଏମିତି କରିଦେବା। କସ 40° ମାଇନସ ଥିଟାକୁ ଆମେ କରିଦେବା 90° ମାଇନସ ଥିଟା ପ୍ରକାଶ କରିଦେବା। କେମିତି? ଏମିତି କରିବା 90° ମାଇନସ 50° ପ୍ଲସ ଥିଟା, ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଲେଖନ୍ତି
90 डिग्री को हम जति 50 डिग्री प्लस थीटा को जति माइनस करंती ताले कोन हो ना 40 डिग्री माइनस थीटा रही दिबो जो 40 डिग्री माइनस थीटा बदल आमे त लिखि जन तनो एति जी गला कोन ना जान लेखे से लिखवा साइन 50 डिग्री प्लस थीटा साइन 50 डिग्री प्लस थीटा माइनस cos 90 डिग्री माइनस थीटा र सूत्र कोन हम जान छथि cos 90 डिग्री माइनस थीटा सूत्र होची sin थीटा त एटा के कोन ना sin लेकिन थीटा के ना थीटा होची 50 डिग्री प्लस थीटा sin 50 डिग्री प्लस थीटा त एठी sin थीटा माइनस sin थीटा केते हेबो आ 0 हेबो तर आंसर हला कोन 0 एटा हला 5 पांच नंबर डबल आई तापर पांच नंबर ट्रिपल आई प्रश्न हम देखिबा पांच नंबर ट्रिपल आई प्रश्न प्राय तो एमटी प्रश्न परीक्षा रे प्राय तो पडुछि तनो आमे ई प्रश्न टिकु टिके ध्यान दबा प्रश्न को देखो तो पांच नंबर ट्रिपल आई प्रश्न देखो तो देखी cos स्क्वायर 20 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 70 डिग्री होल डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 59 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 31 डिग्री एटो का हम सरल करबा एटा मध्य हम चेष्टा करबा जे समान आनी की तब पाटियो पई किमित कोण को फैक्टरटा समान आसीबो को त्रिकोणमिति कोण बा समान आसीबो तब हम एटिके ध्यान देखि चिंता करि करबा पांच नंबर ट्रिपल आई हम करबा पांच नंबर ट्रिपल आई प्रश्न देखि कोण ना cos स्क्वायर cos स्क्वायर 20 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 70 डिग्री cos स्क्वायर 70 डिग्री होल डिवाइडेड बाय कते ना sin स्क्वायर 59 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 31 डिग्री sin स्क्वायर 31 एथि पिला माने टिके आमे गोटे काम करबा एथि जो cos स्क्वायर 20 डिग्री अछि सेटा को रखिबा किंतु cos स्क्वायर 70 डिग्री जोटा अछि ताको आमे 90 डिग्री माइनस थीटा कर दबा जोटा कि एटा परवर्ती समय रे कोन हिबो ना sin स्क्वायर 20 डिग्री cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 बोले हम जानछि एथि मध्य तळे घर रे जो अछि sin स्क्वायर 59 डिग्री अछि आकु मध्य हम 90 डिग्री माइनस थीटा कर देले एटा हिबो cos स्क्वायर 31 डिग्री तापर हम एथि cos स्क्वायर 31 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 31 डिग्री एटा मध्य 1 हिबो 1 बाय 1 एर उत्तर हबो 1 आमे एटा किमिति होछि आमे देखिबा उपर जहां लिखै छी आमे जो cos स्क्वायर 20 डिग्री लिखै छी से cos स्क्वायर 20 डिग्री आमे रखिबा किंतु एदि cos स्क्वायर 70 डिग्री को आमे कर दे परिबा cos 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री र cos स्क्वायर कर दे परिबा होल डिवाइड बाय sin स्क्वायर 59 डिग्री को हम कर पाइबा sin से भला थीटा को चेंज कर दबा 90 डिग्री माइनस थीटा कर दबा 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री 90 डिग्री माइनस यहां में तो वो काट देगा 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री
90 degree minus 31 degree. Draw whole square am korbalam ki ei ta whole square am jeto korle ekta utkrokon nite dewa kotha eta madhye amra utkrokon dibo utkrokon dibo eta square korbala plus dos sin square 31 degree achi seta ko amra rakhi dewa sin square 31 tapra am kon koriba jo cos square 20 degree achi sei cos square 20 degree rela ए जो cos 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री रो होल स्क्वायर थे कोन हितो ना cos 90 डिग्री माइनस थीटा हम जानते हैं sin थीटा तब होल स्क्वायर जो के थीगो sin स्क्वायर थीटा थीटा के कोडे डिग्री यानो sin स्क्वायर कोडे डिग्री होल डिवाइडेड बाय एटी से बोला sin 90 डिग्री माइनस थीटा जे cos थीटा तेनो cos थीटा होल स्क्वायर दे कौन हितो cos स्क्वायर थीटा एट थीटा होजी 31 डिग्री तेनो cos स्क्वायर 31 cos स्क्वायर 31 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 31 डिग्री एठी एठी हमन दियंतु एठी cos स्क्वायर 20 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 20 डिग्री एठे हितो केते ना 1 हितो एटा ऊपर ही दिबो 1 तळे cos स्क्वायर 31 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 31 डिग्री एटा मधे दिबो 1 तेनो 1/1 हिले पछि दिबो उत्तर उत्तर ही दिबो 1 ता माने हम आपको सरल पाले उत्तर आ लागे ते उत्तर भला 1 एटा 5 नंबर ट्रिपल आई तापर हम 5 नंबर आईबी प्रश्न लिखबा 5 नंबर आईबी प्रश्न लिखंतु से 5 नंबर आई भी प्रश्न को छि tan 55 डिग्री माइनस थीटा माइनस cot 35 डिग्री प्लस थीटा आको हमें से 90 डिग्री माइनस थीटा बकेगी मधे हमें कहि आइला केम करबा देखंतु प्रश्न कोन होइ छि 5 नंबर आई भी अंतर नंबर आई है tan 55 डिग्री tan 55 डिग्री माइनस थीटा tan 55 डिग्री माइनस थीटा माइनस cot 35 डिग्री प्लस 4 इतनी होती है आमे गोटे काम करवाई आम जेकोसी गोटे को परिवर्तन करदे चलो आम मन कर प्रथम टाइम रखा के 55 डिग्री माइनस थीटा अच्छी से रखीदे ये जो अच्छी कॉट 35 डिग्री प्लस थीटा अच्छी आम गोटे काम करवा कट 90 डिग्री माइनस थीटा करके बंद भर रखा पड़ो 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री प्लस थीटा को हम एटा कर दबा जदि एते ना 55 डिग्री माइनस थीटा जदि माइनस कर दबा ताहले हमरो रहबो केते ना 35 डिग्री प्लस थीटा ते हमरो 55 डिग्री माइनस थीटा पाबो एपी तापरे tan 55 डिग्री माइनस थीटा से भला रखिबा tan 55 डिग्री माइनस थीटा को हम समझि रखिबा एथि माइनस cot 90 डिग्री माइनस थीटा दे और ना tan थीटा त tan थीटा एते थीटा होती 55 डिग्री माइनस थीटा त tan 55 डिग्री माइनस तो tan थीटा माइनस tan थीटा कते हिबो ता tan थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 0 0 लगा आंसर
तापर हम देखिला बी नंबर कोन कोई प्रश्न बी नंबर प्रश्न कोन होई छी बी नंबर गो बढ़िया प्रश्न होई छी जोटा कि प्राय तो परीक्षा रे आपन मान कर पढु छी परीक्षा रे त बी नंबर प्रश्न को हमें बहुत चतुरता सहित से प्रश्न दी दे छी बी नंबर आंसर नंबर बी पांच नंबर बी से कोन छी cos 1 degree cos 1 degree into cos 2 degree cos 2 degree into dot 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 degree cos 180 यदि पुरे कथा पर चिंता करले cos 1 degree अछि 2 degree अछि तापर केतरा हो 3 degree cos 3 degree cos 4 degree ता भितरे cos 90 degree होछ ताले cos 1 degree थारो cos 180 degree पर्यंत यदि डॉट डॉट दै छ माने मतलब कि जेना चिखर दै छै तेनो cos 180 degree पर्यंत सब गुणन हि कि रहि छै तेनो cos 1 degree हम रखिले cos 2 degree भी रखिले किंतु या मछे इते रहिछ cos 90 डिग्री डॉट डॉट cos 180 डिग्री हम जानै छथि cos 90 डिग्री रो बोले कते ना cos 90 डिग्री बोले जे 0 तनो 0 को जे कोनसी संख्या सहित जते बड़ संख्या सहित हम जे गुणबा से 0 होबो तनो कते हि दिबो ना cos जे जहा लेखा जे से लेखिले गुणन cos 2 डिग्री गुणन एति मध्य रे लेखा cos 90 डिग्री मूल्य बसे देला हम 0 रे डॉट 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 माने सो गुणन हि कि रहि छि cos 180 एति कोन होला ना सब 0 सहित जेतले गुणन भेला सब हि गेला हां 0 आंसर हैला हां आंसर हैला 0 तापर हम देखबा पांच नंबर बी आई पिला माने जो बी आई नंबर रही छि पांच नंबर बी आई अगर हम प्रश्न लिखबा से पूछि पांच नंबर बी आई रो प्रश्न पूछि sin 27 डिग्री विभक्त cos 63 डिग्री रो होल स्क्वायर प्लस cos 63 डिग्री बाय sin 27 डिग्री रो होल स्क्वायर एटा हम सरल करिवा हमें जहा देछि तबक लिखि दबा sin 27 डिग्री sin 27 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 63 डिग्री रो cos स्क्वायर प्लस cos 63 डिग्री cos 63 डिग्री होल डिवाइडेड बाय sin 27 डिग्री sin 27 डिग्री तो होल स्क्वायर कितने का देख ये तो काम के लिए सरल करिबा एटा को हम काम करिबा जो प्रथम तार दे छी एडा जो दे छी अपन को cos 63 डिग्री दे छी अपन में 90 डिग्री माइनस थीटा कर दी परे ऊपर जो एक दे छी cos 63 डिग्री आप मधु 90 डिग्री माइनस थीटा कर दी परे कर दे देखो किमिति सरल हो छी हमें जो दे छी sin 27 डिग्री लिखिवा हम sin 27 डिग्री के टोका में लिख दी परिवा cos 63 डिग्री बदल रे हम लिख दी परिवा cos
90 degree minus 27 degree. 27 degree. Ini akan kurang pada yaitu whole square plus एटा को हम इस प्रकार कर दे परिवा टोटल cos 63 कर छी हम कर दे परिवा cos 90 डिग्री माइनस 27 27 डिग्री कॉल डिवाइडेड बाय sin 27 डिग्री र होल स्क्वायर चिन्ह माटी दे दो छे एट होल स्क्वायर चिन्ह दे दो छे तापरे हम ने देखिवा जो साइन 27 डिग्री अछि विभक्त cos 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री अछि cos 90 डिग्री माइनस थीटा छे sin थीटा तन तळ पाहि दिबो अ sin 27 डिग्री जेहेतु कोण रो स्क्वायर अछि तन ऊपर हमर मान हि जबो ऊपर हमर हि जबो कोण आ साइन 27 डिग्री स्क्वायर का बारे में पत्थर लिखिवा एटा कर दबा cos 90 डिग्री माइनस थीटा जे और साइन थीटा तन साइन 27 डिग्री जिन जमा स्क्वायर दिला से स्क्वायर हमर दबा तापरे एडिशन ला cos 90 डिग्री माइनस थीटा एति जो होई छी अब हम कोन करबा ना sin थीटा हि दिबो एटा sin 27 डिग्री विभक्त sin 27 डिग्री जीरो होल स्क्वायर देख देखो एथि sin 27 बाय sin 27 एटा केथि हिजो बुझले हम काटि दवा एटा बुझले हम काटि दवा एटा कोन हिजो एटा एटा कटि गेले 1 हिजो त 1 होल स्क्वायर एटा मतलब 1 होल स्क्वायर तमने कोन हिजो 1 होल स्क्वायर प्लस 1 रो स्क्वायर 1 स्क्वायर इज द 1 ये 1 स्क्वायर मतलब 1 एला केथि 2 हिजो आंसर तेनो पांच नंबर भी है उत्तर है ना कहते ना उत्तर है ना टू तापर हम देखिबा पांच नंबर भी डबल आई कौन होचे डबल आई हम प्रश्न देखिबा कौन अच्छी प्रश्न ये डबल आई देखो ये डबल आई कोई चीज कॉट 112 डिग्री गुणन कॉट 58 डिग्री मैं करिवा डी आई डी डबल आई कॉट 112 डिग्री कॉट 112 डिग्री किंतु into cot 58 डिग्री एटो का हमें कौन करिबा जो cot 112 डिग्री होइस हमें आपको 90 डिग्री माइनस थीटा कर दो अब जो टा 58 डिग्री होइस हमें आपको 180 डिग्री माइनस थीटा करिबा 112 डिग्री को 90 डिग्री प्लस थीटा अब 158 डिग्री को cos 58 डिग्री को हमें cot 180 डिग्री माइनस थीटा करबा केमति कोन केमति सरल होइ छै देखो एथि cot 112 डिग्री जोटा अछि हमें आपको करि पाइबा 90 डिग्री प्लस थीटा हले cot 90 डिग्री प्लस 5 डिग्री गुणन एटा cot 158 डिग्री अछि जोटा हम कर दे पाइबा cot 158 डिग्री के हम कर दे पाइबा 180 डिग्री माइनस 5 डिग्री
এটি cot 90 ডিগ্রি প্লাস থিটা জি আমি জানি যে মাইনাস tan থিটা কেন এটা হলো থিটা জি বাই ফির মাইনাস tan বাই জি ইনটু cot স্কয়ার ডিগ্রি মাইনাস থিটা জি তাকে মধ্যে আমি জানি যে মাইনাস cot স্কয়ার থিটা এটি থিটা হচ্ছে বাই ডিগ্রি তাহলে মাইনাস cot বাই ডিগ্রি माइनस में दिखा लो तो कौन सा मीटर है हमें रख दूंगा चलो टैन थीटा इनटू कॉट थीटा मैं जानता हूँ वन नहीं कि चलो ये माइनस टैन पाँच डिग्री वो हमें नहीं दिखा दी पाएगा बुझ जाता है ना कौन सा उच्च वन बाय माइनस कॉट पाँच डिग्री इनटू माइनस कॉट बाई डिग्री তাহলে এটা করতে গেলে এটা যদি আমি কাটতে দেবা যদি এটা যদি আমি কাটতে দেবা এটা তো এটা যদি কাটতে দেবা তাহলে কি হবে 1 হল आंसर এটা হয়ে গেল জি ডাবল আই জি ট্রিপল আই আমি যদি করিবা জি ট্রিপল আই করিবা জি ট্রিপল আই কোন আছে জি ট্রিপল আই আছে cos স্কয়ার 90 डिग्री प्लस अल्फा प्लस cos स्क्वायर 100 डिग्री माइनस अल्फा तब हमें सरल होगा हिट पुलाई देखो हम ये हिट पुलाई की दिक्कत होगा ताल कौन होगा प्रश्न आज कौन ना cos स्क्वायर 90 डिग्री प्लस अल्फा cos स्क्वायर 90 डिग्री प्लस अल्फा cos स्क्वायर 90 डिग्री प्लस अल्फा प्लस प्लस cos स्क्वायर 100 डिग्री माइनस अल्फा এটা দিয়েছি আমি এখন সরল করিব এটা কো আমি কেমনে সরল করিব যেটা দেইছি আমি যদি তার মূল্য যদি বসাই দেব এটা সহজে হয়েব আমি যদি cos স্কয়ার 90 ডিগ্রি প্লাস আলফা আকু আমি এমনি লিখতে পাইব cos 90 ডিগ্রি প্লাস প্লাস আলফা র হোল স্কয়ার স্কয়ার দিয়ে সংস্কার করে দেব দেখি সেবা হয়ে পারিব cos 180 डिग्री माइनस अल्फा रो होल स्क्वायर की करबो हम जान छथि प्रथम टा जो देइ छी बेटा बेटा जो देइ छी cos 90 डिग्री प्लस थीटा cos 90 डिग्री प्लस थीटा जे हम जान छथि माइनस sin थीटा चलो कि थीटा जगह अल्फा बसछि त माइनस sin अल्फा माइनस sin अल्फा रो प्लस एट cos 100 डिग्री माइनस अल्फा पर हबो ना cos 100 डिग्री माइनस अल्फा जे सेटा हबो कते त माइनस cos अल्फा माइनस cos अल्फा माइनस साइन अल्फा स्क्वायर दिए कौन लिख ना साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस अल्फा स्क्वायर दिए कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हम जानते वन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन एटा हम सरल कर देले कि तब होला वन
तापरे भी ट्रिपल आई गला हम देखो दो आईएक्स जो उठा रहा है आईएक्स मध्य चाहिए भी ट्रिपल आई बोले अपन परिवो अब एक्स मध्य चाहिए भी ट्रिपल आई बोली करी परिवो तो हम आशा करते हैं तो ये माने पांच नंबर प्रश्न रहा पांच नंबर रहा समस्त प्रश्न रहा उत्तर परी परिवो यदि किसी असुविधा हुई है कमेंट बॉक्स में लिखवा को बुझे नहीं अशेष अशेष धन्यवाद।